दिल्ली सरकार को सुप्रीम फटकार। विज्ञापन पर उड़ गए 1100 करोड़। RRTS प्रोजेक्ट में क्यों हुई देरी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की स्पीड स्लो। दिल्ली सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को खरी खरी सुनाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 3 साल में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दो। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है। दरअसल कोर्ट RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने तर्क दिया कि जब विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए फंड देना भी संभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो भी राशि बची हुई है, उसका भुगतान भी 2 महीने के अंदर कर दिया जाए। बता दें कि कोर्ट पहले भी फंड को लेकर दिल्ली सरकार को कह चुका है। महीने की शुरुआत में ही कोर्ट ने सरकार से विज्ञापन पर खर्च की गई रकम का 3 साल का ब्यौरा मांगा था। सुनवाई के दौरान सरकार ने ये दलील दी थी कि उसके पास फंड नहीं है, उसके बाद ये ब्यौरा मांगा गया था। वहीं आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सरकार 2 महीने के अंदर बचे हुए पैसे का भुगतान कर देगी। बता दें कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जिसका काम चल रहा है। इस कॉरिडोर को बनने से दिल्ली और NCR के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। रैपिड प्रोजेक्ट ने 3 रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना बनाई है। RRTS भी उसी योजना का हिस्सा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेनिट टाइम्स।